हेलो नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजस्थान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज आपके लिए एक और नए टाइप की व्हीलचेयर लेके आए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है, बिल्कुल फोल्ड होके छोटी सी हो जाती है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है। कर्मा कंपनी की ये है। इसका मॉडल नंबर है राइडर MWC5 और इसकी MRP जो है अप्रोक्सीमेटली 13,000 रुपीज के आसपास है। MRP 13,000 रुपये के करीब है। इसका 12 साढ़े 12 किलो के करीब वेट है, 12.5 kg के आसपास इसका वेट है। माइल्ड स्टील की है, SS की नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि SS की है या MS में है। MS में है ये। इसके अंदर इसके फुटरेस्ट भी डिटैचेबल हैं, फुटरेस्ट इसमें हमें मिलते हैं अलग से, और निकाल के देखते हैं ये। ये देखिए बिल्कुल कॉम्पैक्ट हुई पड़ी है। इसको खोलने के लिए हम लोग इसको जो इसके ये सीट के पोल्स हैं इसको हम लोग ऐसे दबाएंगे तो ये खुल जाएगी। साइड वाले जो पाइप हैं जिसके ऊपर सीट फिक्स है, इसको पकड़ के ऐसे दबाएंगे तो ये खुल जाती है। आर्म्स भी इसके फोल्डिंग है, आर्मरेस्ट आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसमें ये जो इसका हैंडल्स हैं ये भी फोल्ड हो जाते हैं। इसको आप सीधा करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये भी लॉक हो गया। पीछे इसमें ये पॉकेट है, इसमें कुछ पेपर्स वगैरह या फाइल कुछ आप रख सकते हैं। ब्रेक इसमें डबल है, हैंड ब्रेक भी है। और ये पार्किंग ब्रेक्स भी हैं, अगर आपको पेशेंट को बिठाना है आप ये ब्रेक्स दोनों साइड जैसे सारी व्हील चेयर में होती है ये लगा के आप पेशेंट को बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद रिलीज कर लीजिए करके पेशेंट को चला सकते हैं। और इसमें क्या है, ये जो फुटरेस्ट है इसके डिटैचेबल, इसको कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। ये इस टाइप से इसके फुटरेस्ट हैं अलग अलग। ये लेफ्ट राइट का आपको देखना है, खोल के देखना है। ये राइट साइड का है तो इसको लगाने के लिए ये इसमें बॉल है, इस पुल में जाएगा पाइप, इसमें डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये बटन को दबाएंगे, ये फिक्स हो गया। ये लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड का था, ये राइट साइड का है, मैंने शायद उसको राइट का बोल दिया। ये इसमें लग गया। और इसके साथ ये बेल्ट है ताकि पाँव पीछे ना चले जाए, बेल्ट इसमें लगा देंगे ताकि यहाँ काफ जो है आपका रेस्ट करेगा, पाँव पीछे नहीं जाएगा पेशेंट का। बैठने के लिए फिर से वैसे ही जैसे हम सारी चेयर्स के लिए बताते हैं, फुट रेस्ट का ध्यान रखना है, इसके ऊपर पाँव रख के चढ़ के नहीं बैठना है। बैठने के टाइम में इसको पहले होल्ड कर दीजिए, पेशेंट को बिठाइए और फुटरेस्ट खोल के फिर इसके ऊपर पांव रखना। पेशेंट इसको खुद भी चला सकता है। साइड में रिंग, इसमें रिंग्स लगे हैं, ये इससे पेशेंट खुद भी चला सकता है इसको। प्लास्टिक के रिंग्स हैं, आर्म्स भी फोल्डिंग है। कभी अब आपको बैठ जैसे खिसक के बैठना है तो आप इधर खिसक के बैठ पे जा सकते हैं, उठ के बैठने की जरूरत नहीं है। इसमें ये बेल्ट भी दी हुई है, बकल बेल्ट है, बेल्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। बेल्ट को साइज भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल सब बैग की बेल्ट का साइज छोटा बड़ा करते हैं
पहले को प्रेस क्लोज करना है, फिर पेशेंट को उठाना है। करने के लिए इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ये बटन है, इसको बटन दबाएंगे, बटन दबा के ये बाहर आ जाएगा, पीछे खींचेंगे ऐसे ही, इधर का भी ये बटन दबाया और इसको बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ जाएंगे। सीट को पकड़ के ऐसे ऊपर करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगी, और ये जो बैक हैंडल्स हैं इसके, इसको बंद करने के लिए ये जो यहाँ पे लीवर है दोनों साइड में है, इस लीवर को पीछे की तरफ खींचेंगे और इसको नीचे कर देंगे, ऐसे ही इधर भी है, इसको नीचे खींचेंगे और ये फोल्ड हो जाएगी। आप इसको फोल्ड करके अच्छे से, फोल्ड होके देखिए कितनी सी बन जाती है, उठाने में भी इजी है, 12-12.5 केजी के करीब वेट है, एक हाथ से भी आप उठा सकते हैं इसको, इतनी लाइट वेट है। थैंक यू।